हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई चाशनी से कोकोनट रोल, जो बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ मिठाई बनाते हैं तो उसकी चाशनी जो है हमारी बच जाती है, जैसे रसगुल्ले हुए, गुलाब जामुन हुए। तो ये जो रोल है ना, वो किसी भी चाशनी के साथ आप बना सकते हैं, जैसे रसगुल्ले की चाशनी हुई या फिर कोई भी चाशनी आप बनाते हैं उसमें चाशनी जो बच जाती है उससे आप ये मिठाई आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए बची हुई चाशनी से एक नई तरह की मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बची हुई चाशनी से मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे कल मैंने रसगुल्ले बनाए थे, उसकी चाशनी बच गई थी, तो मैं उसी की चाशनी से आज एक मिठाई बनाने जा रही हूँ। चाशनी को पहले मैंने कढ़ाई में डालकर गर्म कर लिया है। जब हमारी चाशनी हल्की सी गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें ये छोटी इलायची का पाउडर था वो इस पर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर डालने से फ्लेवर अच्छा आता है। आप चाहें, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और एक पिंच के करीब यहाँ पे मेरे पास फूड कलर था लाल रंग का, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से उसका कलर बड़ा अच्छा आता है मिठाई का, जो भी हम बनाएंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मेरी जो चाशनी थी वो 2 कटोरी के करीब थी, तो उसका डबल हम कोकोनट डालेंगे। कोकोनट का बुरादा होता है ना, वो इसमें डालेंगे। तो 2 कटोरी चाशनी थी तो उसमें 4 कटोरी में कोकोनट का बुरादा डाल रही हूँ। बुरादा डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है चाशनी के साथ। अच्छे से मिक्स कीजिएगा चाशनी के साथ बुरादे को। जो कोकोनट का बुरादा आता है वो बाज़ार में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और इसे हमें जब तक चलाना है, जब तक ये एक साथ नहीं हो जाता या फिर कढ़ाई को छोड़ने नहीं लग जाता, जब तक इसे हमें चलाते रहना है। अभी मैंने गैस का फ्लेम सिम किया हुआ है, उसी में मैं चला रही हूँ। चाशनी के साथ मेरे बुरादे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे हम इसमें। ये मैंने 10 से 12 बादाम और थोड़े से पिस्ता लिए, इनको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे भी मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी के हिसाब से, जो आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं और जो आपको नहीं पसंद है वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मिश्रण हमारा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। सिर्फ एक मिनट के लिए और उसे हम भूनेंगे, फिर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब मिश्रण ने हमारा इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसे करने में 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। सारे मिक्सर को मैंने एक परात में निकाल लिया है। अब इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो ये बांधने में बहुत मुश्किल होगा, बस इतना कि ये हल्का सा छूने लायक हो जाए बस। अभी ये गर्म है, 2 मिनट और लगेंगे इसे ठंडा होने में, फिर हम इसके अपनी शेप के जो भी हम मिठाई बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब मिक्सर हमारा छूने लायक हो चुका है तो हम हल्का हल्का इसको लेंगे मिक्सर को और इसे मनचाहे शेप में इसको दे देंगे। चाहे आप इसे गोल दे, चाहे लंबे लंबे इसके रोल बनाएं, कुछ भी आप इसके बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जैसे मैं इसके रोल बना रही हूँ लंबे लंबे, इसी तरह के मैं सारे रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। मैंने सारे मिक्सर के रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो उसे पेड़ की शेप भी दे सकते हैं या जो मर्जी आप शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो सारे रोल बनकर तैयार हैं, इस प्लेट में भी बनाकर तैयार कर लिए हैं मैंने।
तो रोल तो हमारे तैयार है। अब हमें क्या करना है, एक और इसमें मिठाई को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें एक तरीका और अपनाना है। अब मैंने थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा ले लिया है, प्लेट के अंदर डाल लिया है। अब जो हमने रोल बना कर रखे थे ना, उसमें हम इसको लगा कर फोल्ड करेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है रेसिपी और सबसे बड़ी बात, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सारे रोल को इसी तरह से हम सूखे बुरादे के अंदर, नारियल के बुरादे के अंदर कोट कर लेंगे। बची हुई चाशनी से कोकोनट रोल बनकर तैयार है हमारे। आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और जो हमारी चाशनी होती है ना, वो भी वेस्ट नहीं जाती, उसका भी यूज़ आसानी से हो जाता है। अब जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या राखी पे इसे आप ज़रूर बना कर देखिएगा। बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। तो मैं तो अपने बची हुई चाशनी के कोकोनट रोल को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आई होप एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।